ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो सकता था, इट वुड हैव बीन लाइफ थ्रेटनिंग, बट अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीवियर डॉग बाइट से ट्रीटमेंट चल रहा है। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है, कल कोई भी हो सकता है, तो व्हाट एक्शन यू आर टेकिंग बीइंग अ कॉर्पोरेटर। हमारे बच्चे के साथ नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना, उन लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि डॉग का मेनेस है बहुत ज्यादा। बेटा आपका नाम बताओ। मोहम्मद ईजान अली। मोहम्मद ईजान, ईजान क्या हुआ आपके साथ, कैसे डॉग बाइट्स करे आपको? मैं बाहर लेता और फिर कुत्ते अटैक करते। कितने सारे कुत्ते थे उधर? पांच कुत्ते थे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कौन बचाया आपको वो डॉग बाइट्स करने में? वो तो आदमी खड़े थे, वो बचा। वो उन्होंने दोनों आपको आपको हेल्प करे। फिर आपके मम्मा और नानी किधर थे? पीछे थे, पीछे से आते थे। इमीडिएटली डॉग मुझे अटैक। अभी डॉक्टर के पास आप जाको है ना, डॉक्टर क्या बोले आपको? इंजेक्शन दिए, बहुत सारे इंजेक्शन दिए, बहुत दर्द हो रहा है। और भी इंजेक्शन लेना बोले डॉक्टर। तो दर्द कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत ज्यादा है। फिर से जाती हैं अकेले आप बाहर? नहीं। आप आपके फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहती? अकेले मत जाओ, अकेले नहीं जाना बोल को बोलती। हाँ आप जाती हैं अकेले? नहीं। ओके, थैंक यू। सुबह में 10:30-11 के करीब आबिद कन्वेंशन सेंटर में शायद तकरीबन 5 डॉग्स पाउंस्ड ऑन हिम। ही इज जस्ट 7 इयर्स ओल्ड। और मुझे पता चला कि वहाँ पे कुत्तों की टोली है, बहुत ज्यादा है। तो ये बच्चा, कोई दो आदमी थे जिनकी वजह से अल्लाह के रहम करम से रेस्क्यू करे, वरना क्रिटिकल कंडीशन में आ सकता था बच्चा। यहाँ पे 4 बाइट्स हैं गर्दन के पास, डीप बाइट्स हैं, डीप वुंड्स हैं। फिर बैक में 3-4 वुंड्स हैं, वेरी डीप वुंड्स। फिर पैर में एक वुंड है, डीप वुंड, वेरी डीप वुंड। इधर भी डीप वुंड है। तो इतने सारे डॉग्स हैं, कलिंग, व्हाई दे आर नॉट अंडरटेकिंग एनी कलिंग, व्हाट इज कॉर्पोरेटर डूइंग, व्हाई म्युनिसिपैलिटी इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। These dogs are very dangerous, stray dogs. मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, आपके घर से और आबिद्स कन्वेंशन हॉल से कितना दूर है, और आप वहाँ पे क्यों गए थे? वहाँ पे आज एग्जीबिशन लगी थी तो उधर गए थे हमें। By the time just he this boy he just ran out। हम लोग बाहर आए, वापस आए बाहर बच्चों के पीछे, तो पीछे आते थे तब तक he was attacked, he was pounced by 5 dogs simultaneously। He's just 7 years old। Imagine the plight। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है, कल कोई भी हो सकता है, तो व्हाट एक्शन यू आर टेकिंग बीइंग अ कॉर्पोरेटर। ये हमारे बच्चे के साथ नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना, उन लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि डॉग का मेनेस है बहुत ज्यादा। तो आपका घर और आबिद्स कन्वेंशन हॉल बिल्कुल करीब में है करके आप बता रहे हैं? बिल्कुल पास है, वॉकेबल डिस्टेंस। क्या आपके एरिया में भी, आपकी आपका जो रोड है वहाँ पे भी ऐसा डॉग्स का प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा डॉग मेनेस है, बहुत ज्यादा है। तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही बोल को? कुछ भी एक्शन नहीं ले रही। ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो सकता था, इट वुड हैव बीन लाइफ थ्रेटनिंग, बट अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीवियर डॉग बाइट से ट्रीटमेंट चला सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में। सेंट जोसेफ में लेके गए, लेकिन जो उन्होंने एंटीबॉडीज जो प्रिस्क्राइब करे वो दोज वर नॉट अवेलेबल देयर, तो वी रश्ड हिम टू जेसस हॉस्पिटल। वहां पे इनका ट्रीटमेंट करके ही अभी 1 month within a span of 1 week अभी वैक्सीन ये लेना, वैक्सीन लेना, रेबीज के वैक्सीन लेना, फिर इनको एट द बाइट साइट एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर। तो ये जो हुआ ये हादसा, कुछ और भी हो सकता था, और भी हो सकता था। अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि इतना हुआ, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा होगा। अभी डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, इनका कंडीशन क्या है? इनका कंडीशन अभी तो स्टेबल है, कि अभी प्रॉब्लम नहीं है, बट केयर जो लेने का है वो बहुत क्रिटिकल है आफ्टर दिस, आफ्टर डॉग बाइट जो केयर है, इट्स वेरी क्रूशियल। मैम पहले तो ऐसा स्ट्रीट में जो डॉग्स रहते थे उनको कॉर्पोरेशन से आके म्युनिसिपैलिटी वाले, हाँ, अभी ये सभी जो स्टॉप कर को ही, तो तुम्हें क्या मैसेज देना चाहते? सो
So I want people to be proactive, especially our corporator and municipal people to be proactive and safeguard children and even adults. Children are more prone to such attacks. अभी तो बोल भी नहीं सकते, बच्चों को कभी भी घर में भी नहीं रख सकते, तो ऐसा रोड में जाना पड़ता है जी, तो बहुत मुश्किल होता है, तो दे शुड बी प्रोएक्टिव। ये आपका वार्ड नंबर कौन सा? 8। वार्ड नंबर 8। यहाँ के कॉर्पोरेटर का नाम अकमल पाशा। तो आपको, आप ये बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, आपकी गली में भी ऐसा डॉग्स रेगुलरली आती जाती है, बोल रही कभी भी आपके कॉर्पोरेटर से जाको ऐसा हो को है हमारी गली में, तो मैं आपको कहते भी उसे प्रिकॉशंस लियो करको कहते भी बोलिंग क्या? नहीं, हमें बोल को नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था तो हमें नहीं बोल को, लेकिन ये कुत्तों का जो मैंने सब वो बहुत ज्यादा था, तो दे शुड हैव टेकन सम एक्शन। हमारे साथ पहली बार हुआ है तो हमें पहली बार ये कंसर्न रेज करो। और आप कॉर्पोरेशन को क्या कहना चाहते हैं? कॉर्पोरेटर को तो बोले, कंप्लेंट लॉन्च हो गए हैं, एमएलसी कंप्लेंट लॉन्च हो गए हैं, सो हमें कंप्लेंट करको ही, वी आर टेकिंग एक्शन, कंप्लेंट लेकर को ही, आप ऑलरेडी हॉस्पिटल से एमएलसी मेडिको लीगल कंप्लेंट लॉन्च हो को है, तो वी आर फॉलोइंग इट। पेरेंट्स को आपके तरफ से क्या मैसेज देना चाहती है? अभी फिलहाल छुट्टी भी चल रही है बच्चों की, तो बहुत केयरफुल रहना, बच्चों को बहुत सेफगार्ड करना, बच्चों के साथ रहना, निगरानी करना, और इस तरह के जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस रहते हैं, सेक्लूडेड प्लेसेस रहते हैं, वहाँ पे बच्चों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैम ये क्या आपके, आप थोड़ी देर बच्चे को मिस करने के वजह से, नहीं देखने के वजह से हुआ है करके बोल लेते हैं? नहीं बिल्कुल, नो इट इज नॉट सो। इमीडिएटली जैसे ही बच्चा बाहर निकले ना आबिद कन्वेंशन सेंटर से, तो हमें भी बाहर निकले, इमीडिएटली बाहर निकले। तो क्या वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थे? नहीं, वो आबिद कन्वेंशन सेंटर के पास ज्यादा लोगों का चलना फिरना नहीं होता, तो जैसे ही बाहर निकले, हमें बाहर निकले तब तक देखे तो ही वॉज अटैक, ही वॉज पाउंस्ड बाई डॉग्स, और वहाँ पे दो तीन लोग है ना, उन्होंने वो कुत्तों को बाहर ये कर रहे, तो अगर वो लोग नहीं होते तो कुछ अलग हादसा हो सकता था। हाँ, कुछ भी हो सकता था। मैम आपका नाम? नूर आयशा। बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद इज़ान। तो अभी फिलहाल इनको एक महीने का ट्रीटमेंट चाहिए। थैंक यू मैम।